इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ऐप लॉक को फॉरगेट कैसे कर सकते हैं। अगर आप अपने फ़ोन का ऐप लॉक अगर भूल गए हैं तो आप उस ऐप लॉक को फॉरगेट कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर यही सब बात करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में घंटी का ऑप्शन आए तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, किसी भी ऐप्स का अगर आप फॉरगेट करना है तो उस पर क्लिक करना होता है ऐप्स पे, और यहाँ पे आपको रैंडमली कुछ भी नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फॉरगेट का एक निशान आता है वो आ जाता है, उस पर क्लिक करना होगा आपको। क्लिक करने के बाद, और फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और यहाँ पे रीसेट थ्रॉट सिक्योरिटी क्वेश्चन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको वो क्वेश्चन डालना होगा जो आपने ऐप लगाते टाइम आपने जो क्वेश्चन डाला था। तो मैंने मुकेश डाला था क्योंकि मेरे को याद रहता था कि मैं क्या डालता हूँ, और इसी प्रकार से आप भी याद रखिए। उसके बाद आपका क्वेश्चन डाल देना है और ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको चेंज पे क्लिक करना है। और मान लीजिए मैं ये वाला लॉक डाल लेता हूँ, क्योंकि पहले तो मेरे को लॉक नहीं पता था, अब मेरे को लॉक पता चल गया है। तो यहाँ से मैं आप कोई सा भी लॉक को आप इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से ऐप लॉक अब मेरे को पता चल गया है। तो अब क्या है कि मैं इसको ऑफ कैसे करूँगा, इसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है, और इस पे जाने के बाद आपको जो भी ऐप लॉक हो उस पर क्लिक करना है। इसको ऑफ़ करना मैं आप बता देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद और यहाँ से इस पर क्लिक करना है, और जो भी ऐप लॉक हो उस पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको डिलीट कर देना है। यहाँ से जैसे ऑफ़ करेंगे तो आपको दोबारा सेट करना पड़ेगा, इन बातों का ध्यान रखिएगा अगर सेट करना चाहते हैं तो। लेकिन ये इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ऐप लॉक हट जाएगा। तो फिलहाल मैं हटाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ आपको बता दिया यहाँ तक। अगर कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं कमेंट करके।